अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनिशा। यकीनन आप लोग रोज़े रख रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे और साथ साथ जो है अपने आस पड़ोस वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और ईद की शॉपिंग भी कर रहे होंगे। क्योंकि ईद की शॉपिंग मुझे इसलिए पता चला है कि मैं चैनल आते जाते जब मैं एक बीच में एक मार्केट पड़ती है और वहाँ से जब गुजरती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है जी, लोगों ने शॉपिंग भरपूर स्टार्ट कर दी क्योंकि इतनी रश, इतनी ट्रैफिक, हद से ज़्यादा। तो ये ईद की खुशियाँ होती हैं जो हम स्टार्ट से ही मनाना शुरू कर देते हैं, हम लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं ये सारी चीज़ें। खैर हम भी शॉपिंग करेंगे, अभी तक टाइम नहीं मिला, हम लोग एंड पे शॉपिंग करते हैं एक दो दिन पहले, वो भी टाइम मिल जाए तो। खैर चलें, हमारा शो स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हर्बलिस्ट हैं हकीम साजिद इस्लाम साजिद, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हम आज जो हमारे टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि सब पे थोड़ी थोड़ी हम बात करें ताकि सारी चीज़ों को हम कवर कर सकें। एक तो शुगर पे बात हम लोग वैसे भी करते हैं पर अब लाजमी इसलिए कि रमज़ान है, रमज़ान के महीने में हम कहते हैं कि जिनकी बड़ी शुगर हाई रहती है वो काबू पा सकते हैं और ये सारी चीज़ें, एक तो हम उस पर बात करेंगे। फिर मैदा और जिगर, क्योंकि रमज़ान में हमारी कुछ रूटीन चेंज होती है, ये भी वजह है। और दूसरी वजह ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा कुछ हुआ हुआ है कि मैदे और जिगर दोनों का प्रॉब्लम अमूमन रहता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा जोड़ों का दर्द, ये तो अब मुझे लगता है बच्चों में भी आ गया है। मतलब पहले हम सुनते थे कि एक एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो तब कुछ, हाँ अब तो बच्चों को भी मैंने सुना है कि उठते बैठते दर्द है, घुटनों में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे और मोहरों के मसाइल पे भी बात करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुगर पे कि सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे जब बात की कि आपके शो पे एक हर्बलिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि शुगर का इलाज है और इंशाल्लाह 3 महीने में ख़त्म और इंसुलिन भी आपकी छूट जाएगी कुछ ही दिनों में और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वाकई ऐसा कुछ है? मैंने कहा हाँ ऐसा है। तो काफ़ी लोगों ने तो मुझे भी कहा है कि आपसे दवाई लेनी है, तो अब आप थोड़ा सा उनको मुतमइन करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यानी एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर का हमारा जो इलाज है, मतलब कि मेरा ज़्यादातर जो फेवरेट मौजू हमेशा चलता रहे हर प्रोग्राम में और या मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, वो शुगर कॉमन है। यानी कि मेरा अगर कोई और भी प्रोग्राम हो तो उसमें शुगर की बात लाजमी होती है, हर तरह से होती है क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर लोगों को है। इतना ज्यादा हो चुकी है, अगर पाकिस्तान की बात करें तकरीबन 10 लाख लोगों को ये पहले काउंटिंग में थी, अभी बहुत सी तो दुनिया ऐसे है ना जिनको पता नहीं होता। हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम अपने जनरल एक्सपीरियंस से जब उसको चेक कर रहे होते हैं और उसके फेस से हमें मालूम हो जाता है कि ये पेशेंट जो है वो शुगर के हैं, जब चेक की जाती है वो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था। किसी को 300 आ रही होती है, 400 आ रही होती है, क्योंकि हमारा हम चेक नहीं करते हैं, हम वीक से वीक तर होते जाते हैं। जैसे बात बीच में मैदे और जिगर की हुई है, अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो हमारे किसी भी प्रॉब्लम से, जैसे मैं रोज़े की मिसाल देते हुए ये बयान करता हूँ कि जी निहार मुँह पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि रोज़ा भी हम खजूर खा के खोलते हैं, उसमें मैं फॉर एग्जांपल जो है रोज़े को मिसाल देता हूँ मतलब के। तो इसी तरह हमारा जब ये हम ऐसे काम करते हैं जो समझें कि फितरत के खिलाफ होते हैं, यानी कि सुबह उठ के जब निहार मुँह पानी पीना होता है तो इससे हमारा अंदर हीट होता है, या हम इफ्तारी के टाइम के ऊपर बहुत ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी अंदर तो आपको पता है कि एक तो रोज़ा होता है, फिर उसके बाद अंदर जो है हमारा हमेशा 98-99 के बीच में, यहाँ तक तो हमारे अंदर की हीट होती है। तो जिस वक्त आप सर्द गर्म और ठंडे को आपस में मिलाएंगे, आउटपुट नतीजा क्या होगा? फैटी लीवर होगा, ठीक है, जिगर सोजिश में आ जाएगा, ठंडा और गर्म इमीडिएटली। इसीलिए तो हमेशा बोला जाता है कि मैंने एक अपने हुक्मा से एक बात सुनी और पढ़ी कि खाएं हमेशा नॉर्मल करके और नहाएं हमेशा गर्म के साथ, ठीक है। तो यानी कि रमज़ान के बीच में मैदा और जिगर बिगड़ने की जो मेन वजूहात हैं, जो मेरे पास अक्सर, अभी कल भी मेरे पास तकरीबन 35 से 40 ऐसे पेशेंट थे
जिनके पेट में दर्द था, सही। पेट के अंदर दर्द था, सांस फूल रही थी, ये कॉमन सी। कल जब मैं बैठा हूँ मतलब के ऊपर, तो यानी मेरे पास हर दूसरा फोन मेरे पास ऐसा आ रहा था जिसमें पेट का दर्द शिद्दत के साथ था। तो लिहाजा पेट दर्द के अंदर और या आपका सांस फूल रहा हो तो उसके अंदर कहवे तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपको, जिसमें हल्दी सौंफ मुलठी का एक जिगर के लिए मैं कावा बोलता हूँ। इसके साथ साथ जो है आप इन कावों को लाजमी पकड़ें, जो इस वक्त रमज़ान के हवाले से भी हमारे मेदे और जिगर के लिए बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे सर में दर्द तो उन्हीं लोगों को होता है जो मेदे के मरीज़ होते हैं। ये अच्छा बात आप समझ लें गौर से कि वो लोग जो इफ्तारी के बाद अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं या मेदे को पकड़ के बैठ जाते हैं, ख़ास तौर पे सर का भारी होना भी मेदे ही की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जिस वक्त आप इफ्तारी करते हैं, एक तो उसके दौरान में मेरा हर प्रोग्राम में अभी भी ये चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। थोड़ा सा पानी दो चार घूंट लेने के साथ इफ्तारी कर लें आप। उसके बाद आप खाना और फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। शुगर के जो मरीज़ हैं वो तरबूज का इस्तेमाल ना करें, अच्छा बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा सकता है, क्योंकि हकीकी शुगर की बात हो रही है। जिनको हकीकी शुगर है उनको तरबूज खाने से उनकी जो है ज़्यादा बढ़ सकती है। हकीकी मतलब हकीकी मुराद एक्चुअल जो कुदरतन जो असूल होता है, जो हकीकी शुगर वही होती है जो आजकल आ रही है ज़्यादातर, यानी कि जिसके साथ ब्लड प्रेशर नहीं होता। नहीं होता। लेकिन अभी तो एनी ऐसा हुआ है ना कि शुगर और ब्लड प्रेशर कॉमन, मैंने हमेशा प्रोग्राम में कहा कि अभी तो हर दूसरा अगर मरीज़ हम देखें तो बोलेंगे जी शुगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, बिल्कुल शुगर ऐसे ब्लड प्रेशर का ऐसे ही मरीज़ है। है, क्योंकि हकीकी शुगर एसाबी शुगर होती है, अच्छा उसके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं आता। ठीक है। उसके अंदर जो है आपका खून का गाढ़ा होने से, आरजी तौर के ऊपर जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने से खून में शक्कर और चकनाई कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। ठीक है, वो अक्यूट शुगर होती है, ठीक है, ठीक। या जो है आपकी गुद्दी शुगर होती है, मतलब कि ऐसी शुगर जो आरजी होती है। हकीकी शुगर वो होती है जिसको हम वाकई ही मर्ज शुगर में ले आते हैं, ठीक है। हालांकि शुगर खुद से तो एक मर्ज माना भी नहीं जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ ही माना जाता है। असल में जो एसाबी मिजाज के अंदर शुगर होती है उसकी कुछ मैं आपको अलामत बताता हूँ। जी इसके अंदर जो है आंखों की बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, सफ़ेद मोती आता है, ठीक। ये इसके कॉमन पॉइंट है कि जब भी नज़र कमज़ोर होगी उन लोगों की वो होगी, सफ़ेद मोती आएगा उनको। ठीक। दूसरे नंबर पे पूरे एजाज जिस्म के उनके कमज़ोर हो जाएंगे, उनके नेक्रोसिस होगा और नेरोपैथी होगा, यानी कि जो पाँव हैं वो सुन होना सुन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ उनके आम लाइफ के अंदर, अगर वो मर्द हैं उनकी मर्द मर्दानगी के अंदर, अगर वो औरत है उनकी निस्वानगी के अंदर, इन दोनों चीज़ों की तड़प ख़त्म हो जाएगी, शिद्दत अच्छा ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि एक फॉर्मेलिटी की हद तक जो है अपने आप को ये इस मामलात में इन फ्राइज में वो कर पाएंगे, ठीक ठीक। है। सेकंड नंबर पे ये हो गया है कि ऐसे मरीज़ ऐसा, क्योंकि हमारा गुर्दा दिल फेफड़े दिमाग असब हमारा असबी निज़ाम दिमाग है, जी जब ये कमज़ोर होगा, असली शुगर जो होती है वो असबी शुगर होती है, असाबी शुगर होती है, उसमें दिमाग सबसे पहले कमज़ोर होने लगता है। जी दिमाग नर्व सिस्टम है हमारा, इससे पूरे अज़ा को हमें जो है वो हुक्म रसानी पैगाम रसानी होती है, तो वो पूरे के पूरे हमारा पूरा जिस्म ही कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे एसाब। अक्सर आपने सुना होगा एक फिकरा ये भी, अगर आम मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं जिनको पता नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी कमज़ोरी हो गई है जी, ऐसा भी कमज़ोरी क्या है जी, जैसे जोड़ों का दर्द अभी एनी ने कहा था, ये हो जाता है। लाजमी नहीं है कि ये शुगर वालों को ही हो, लेकिन शुगर वालों को एसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा ज्यादा हो हो जाए। जाती एग्जैक्टली है ये सही कह रहे हैं। आम आम पेशेंट की जी जी निस्बत। तो बात ये हो रही है हमारी कि आप अपना लाइफस्टाइल पहले दिन से दुरुस्त रखें, आप मत सोचें कि अभी हम जवान हैं तो जब थोड़ा बूढ़े होंगे तो फिर हम हाँ ये कुदरती बात तौर है। के ऊपर हाँ करेंगे। असल में गलतियां जवानी के दौर की होती हैं, यानी जिसके अंदर जो है आप ड्रिंक करते हैं वो आपके फेफड़ों को नुकसानदेह होता जी है, जी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, स्लो ड्रिंक्स हैं ये, स्लो पॉइजन हम इनको बोलते हैं, सॉफ्ट कार्बोनेटेड मशरूबात, काली पीली बोतलें जितनी भी आप लेते हैं रेड में हो या जिसमें भी,
नहायत ही नुकसानदेह हैं, खास तौर पे जब अपने आप को आप बीमारी में लेके चले जाएं तो बिल्कुल ही छोड़ दें। मतलब क्या केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाए। केमिकल्स की मद के अंदर आपके पास ऐसे जूसेस भी हैं जो डब्बों की फार्म के अंदर आते हैं, सुबह से शाम तक हर मरीज को केमिकल छोड़ देने हैं, वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो, वो मशरूबात की सूरत में, डब्बा बंद उसकी सूरत में, किसी भी तरह से हो, यानी कि वो किसी चॉकलेट ही की सूरत में क्यों ना हो। एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं उनसे अवॉइड कर लिया जाए और फितरत के ऊपर आया जाए। निहार जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने खाते वक्त अपना ध्यान टोटल खाने के ऊपर रखें। ठीक, आप सुबह निहार मुंह उठ के अगर पानी पीने के आदी हैं तो आप इस आदत को ख़त्म करें। अब लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन, कुछ मरीज यानी हमारे से ये बोलते हैं कि अगर हम पानी नहीं पिए वॉशरूम नहीं सही से जा सकते हैं। हम बोलते हैं खजूर खा के, सेब एक खा के, और सेब का एक खाना जो है वैसे ही जो है आपको डॉक्टरों से दूर रखता है, हकीमों अच्छा, से दूर रखता मैं एक है। बात ये भी जरूर पूछना चाहूंगी, आपने पानी की बात की, जी थोड़ा सा ये बताइएगा, कुछ लोगों का ये है कि सुबह उठते ही निहार मुंह गर्म पानी जी जी या फिर गर्म पानी में लेमन डाल के वो जरूर लेते हैं, उनको ये होता है कि इससे वेट कम होगा, तो ये भी नुकसानदेह क्या, अगर ये भी। हाँ अगर जी लीमू का भी एक कसरत से इस्तेमाल जी तो किसी भी चीज़ का नुकसानदेह है, यानी जी इसमें आप लीमू के साथ शहद मिला के पिए तो आपको बेहतरी होती है, इसमें अच्छा कोई शक नहीं है, होती है। लेकिन बात वही है कि मोटापे में भी देखना पड़ता है कि उजलाती मोटापा है, हिसाबी मोटापा, कौन सा मोटापा है। ठीक है, यहाँ पे होता यह है कि यूट्यूब के ऊपर एक आरी होती है रेमेडी, जी और हमारे पंसार के स्टोर के ऊपर जो है ना रश लग जाता है, ऐसे हर बंदा आके एक आइटम मांग रहा होता है। मैं बोलता हूँ एलोपैथिक में इस तरह की कोई भी यूट्यूब के ऊपर वो नहीं आता है कि जी आप राइजिक ले लें, आप साथ जो है वो ऑगमेंटन ले लें, साथ आप जो है वो, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं आता है। जी वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए। मेरा एक पेशेंट आया, बच्चा एनीशा अकबर शाह नाम उस लड़के का, मेरे पास आता है, वो मुझे आके बोलता है कि साहिद भाई मुझे ना तकरीबन एक साल से ऊपर हो गया ना और मुझे ख़ारिश नहीं जा रही है और ओहो मेरे को चुभन हो जाती है मेरे जिस्म के अंदर जो है वो, जब भी मैं कुछ खाता हूँ बस आग लग जाती है जिस्म के अंदर, सुइयाँ चुभने लग जाती हैं, मैं धूप में भी निकल सकता हूँ। उम्र क्या है यानी 16 साल उस लड़के की उम्र है, हाँ और ये वो कहता है जी मैं बहुत ज़्यादा, और मैंने इलाज नहीं छोड़ा, मैंने चमड़ा हॉस्पिटल में हर जगह पे गया हूँ लेकिन मुझे इससे फाका नहीं हो सका। ठीक है तो मैंने उसको बोला कि इंशाल्लाह ताला मैं आज से आपका इलाज शुरू करता हूँ और आप 3-4 दिन में अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अच्छा, वो पहले दिन से ही अगले दिन मुझे व्हाट्सएप पे छोड़ते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ हूँ, मुझे पसीना भी आता है। परसों मेरे पास आता है तो मुझे बोलता है मैं बिल्कुल ओके था, मुझे ना नज़ला हो गया, नज़ला हुआ, मैंने ब्रोफन ले ली, मैंने ओ ब्रोफन ली और मुझे फिर वैसे ही हो गया। मैंने उनको बोला देखें हम आपका इलाज कर रहे हैं, मैं आपका मुआलिज हूँ, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझसे रब्ता कर लें। जी बिल्कुल मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन, आपको आप अगर किसी जगह से इलाज करवा भी रहे हैं आप अपने मुआलिज से मशवरा करें कि भाई अगर मैं कोई और चीज़ खा रहा हूँ क्या मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। तो ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम जो होता है ना हमारे साथ जो चल रहा होता है वो सेल्फ मेडिकेशन का होता है। मेरा शुगर का एक मरीज रहीम यार खां के अंदर चल रहा था, शुगर का एक मरीज अपनी तरफ से यानी वो सर्वेक्स जेड ले रहा था, सर्वेक्स जी जो आता है, जी और अब मल्टीविटामिन होता है, और अपनी तरफ से उसने कुछ मुगलिजात भी बना के रख लिए थे अच्छा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मूसली वगैरह जो हमारे आइटम होते हैं वो बना के रखे हुए। वो कहता है किम साहब आपकी मेडिसिन खा रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, उसने मुझे बता दिया, अल्लाह का शुक्र है कि मैं साथ ये भी खा रहा हूँ कि मुझे ताकत हो। अच्छा, मुझे एक और भी अल्फाज वो बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है वो। वो कहता है मैं 2 किलोमीटर भागने के बाद 3 किलोमीटर मेरा और दिल करता है मैं भागूं और भागूं, मतलब कि इतना बेहतर वो हो चुका है। तो मुझे जब पता चला मैंने बोला भाई आप तो ये गलत कर रहे हैं आप। कहता अच्छा है मैंने आपको बता दिया, मैं तो ये समझ रहा था ये ताकत देगा, मल्टी विटामिन है। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ मैं डॉक्टर बोलता हूँ हैं मौजूद है, 22 करोड़ डॉक्टर हैं। हर दूसरा बंदा जब भी हम बात करेंगे वो अपना मशवरा दे रहा होगा कि ये कर लें ये कर लें ये कर लें। असल में हिकमत भी मिजाजों के ऊपर ही है, मिजाज के अलावा हिकमत नहीं है। शुगर का जो हमारे मेरे पास अभी जो सवाल है ना जी, और एनी से भी जो इनके जानने वाले सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल, मुझसे तो कहा गया है कि हाँ जी हमने जाना है, पर ये बताएं कि वाकई शुगर खत्म हो शुगर जाएगी? शुगर जी हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल गारंटी के साथ इलाज है,
एक हमने और अमेंडमेंट की है हम अपने कोर्सेज में, जी यानी हमने जो है वो 3 माह ऐसे लोग जो मेडिसिन खा रहे होते हैं, गोलियां टेबलेट वगैरह के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं, जी उनके लिए मेयार 3 माह, और इंसुलिन पेशेंट के लिए 6 माह रखा है, ठीक है क्योंकि इंसुलिन पेशेंट की सेहत बहुत हद तक गिर जाती है, हाँ बहुत हद तक गिर जाती है, और इंसुलिन पेशेंट बीमारियों में बहुत ज़्यादा मुबतला हो जाता है। यानी कि उसके साथ साथ मेरे पास ऐसे मरीजों की अक्सरियत आ रही है कि इंसुलिन लगने के बावजूद भी यानी उनकी जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं है, इंसुलिन ऐसा लग, है अच्छा 50 इंसुलिन सुबह लग रही है, 50 से शाम में लग रही है, और शुगर कितनी आ रही है, 300, 250, 350 लगने के बावजूद हाँ बिल्कुल ऐसा इंसुलिन है आप लगने। बिल्कुल सही जी कह रहे हैं अभी आप मुझे बताएं, जब इतनी बुरी हालत होगी वो मरीज किन किन बीमारियों में मुबतला हो सकता बिल्कुल है, ऐसे ही उनको अचानक वो हाइपो में भी जा सकता है, ऐसा मरीज अचानक उसकी शुगर बहुत ज़्यादा लो भी हो सकती है, मतलब कि कोई पता नहीं चल पा रहा कि वो किस तरह से अपनी शुगर को मेंटेन कर लें। ठीक है ठीक है अच्छा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे पर अब एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक से ब्रेक। वापस आएंगे। जी नाज़रीन आप देखते रहें हमारा शो, हम कोशिश करेंगे बाकी टॉपिक को भी कवर करें पर एक ही टॉपिक हमारे लिए बड़ा सारा हो जाता है, पर कोशिश करेंगे सब टॉपिक को हम जो है वो कवर करें। पर अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद हनीशा। अब हम ज़रा शुगर के टॉपिक को जो जी लास्ट लास्ट है वो शुगर के आप टॉपिक है, मैं लास्ट आपको ऐसा है निशा कि आप शुगर का कोई भी मरीज़ है, टाइप 1 का, टाइप 2 का, मेलाइटिस के अंदर तमाम जो एलोपैथी के हवाले से मैं बता रहा हूँ, जो जदीद साइंसी तहकीकात ने शुगर की इकसाम जो है हमें दी हैं और बताया गया है उसके बारे में, इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मेलाइटिस में यानी 2 टाइप्स आम हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, और टाइप 2 के अंदर जो है 4-5 इकसाम हैं, जिसके अंदर सेंट्रल है, इंसेफाइटिस है, गेस्टेशनल है, मैदे और जिगर की वजह जिगर से प्यास का ज़्यादा लगना है, और प्यास की ज़्यादा शिद्दत होना, क्योंकि पेशाब क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा होता ठीक है, उसके अंदर हमारी जो है प्रोटीन और शुगर जो है वो ज़ाया हो रही होती है इसमें, इन सब इकसाम का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। शुगर की अगर हम हकीकी शुगर हो, शक्री शुगर हो, इसाबी, उजलाती और गुदी, यानी कि हम जिगर से होने वाली, दिल की वजह से होने वाली, या असली शुगर जो होती है दिमाग की वजह से होने वाली। अच्छा हकीकी शुगर, यानी ने मेरे से पूछा था हकीकी शुगर क्या होती है, ठीक है, यानी हर आपने सोचा होगा कि टेंशन से शुगर होती है, ऐसे ही सुना टेंशन, हमारा दिमाग जो है, असब जो है हमारा, असबी निज़ाम, हकीकी शुगर मैं बोलता हूँ एसाबी शुगर होती है, वो दिमाग है, जो हमारा असबी निज़ाम है वो दिमाग है, यानी कि दिमाग की वजह से होने वाली शुगर ही हकीकी शुगर होती है। अच्छा इसकी वजूहत ये होती है कि जब हमारे पे कोई गम गम और फिक्र की कोई ऐसी कड़ी लहर आती है, अल्लाह तबारा के तौर सब पे रहम फरमाए, आमीन तो उस वक़्त जो है हमारा ये नर्व सिस्टम जो है वो टेंशन की वजह से मुतासर होता है। ठीक यहाँ से आपको पता हो जी टेंशन की वजह से शुगर होती है, अभी आपको समझ आ गया, जी एसाब असब भी निज़ाम दिमाग है, और असली शुगर जो होती है वो एसाबी शुगर होती है। ठीक अक्सर जो जिस मिजाज ये मिजाज जो एसाबी मिजाज होता है ये जिस्म को बिल्कुल ढीला कर देता है, यानी कि इसकी खलत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिस्म में हर तरफ पानी भर जाता है, गुर्दे भी फैल जाते हैं, जिस्म भी जो है वो ऐसा हो जाता है, नरम नरम हो जाता है, ठीक अपनी साख छोड़ देता है। ठीक है तो शुगर की तमाम इकसाम का इलाज हमारे पास है अल्लाह के फलो करम से, यानी मैं गारंटी के साथ इसका इलाज करता हूँ। मेरे पास आने वाला पेशेंट ये सवाल करे कि मैं ठीक हो जाऊँगा नहीं होऊंगा, तो मेरा सबसे पहला उसके बाद सवाल होता है कि गारंटी के साथ है, फिर दूसरा ये बात होती है कि मनी बैक गारंटी के साथ है, फिर तीसरी बात होती है कि मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ कि दावा अल्लाह की ज़ात कर सकती है, इंसानों को दावा करने का कोई इख्तियार नहीं है,
क्योंकि जब अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में एक चीज का बताया है और हम कुफर में जा रहे हैं कि शुगर का इलाज नहीं, कैंसर का इलाज नहीं, ये बातें बेमायनी हैं कुरान पाक की इस आयत के सामने कि हमने दुनिया का, इसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में कोई जब भी कोई मर्ज भेजा उससे पहले उसका इलाज भेजा, यानी कि जब अल्लाह तबारक तआला की सुन्नत है कि दुनिया में कोई मौत के अलावा ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं हो, तो हमें ये कुफर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तो इसके ऊपर जब मेरे बहुत से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह क्योरेबल हो चुके हैं, मेरी उनकी मॉनिटरिंग होती है, ठीक होने के बाद मेरा उनसे राबता होता है, जितने मेरे इलाज के बाद टाइम यानी आगे गुजर रहा होता है ना, वो मरीज इतने ही और ज़्यादा माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं और उनकी शुगर जो है वो, जैसे मुझसे पिछले प्रोग्राम में एक सवाल हुआ था जी कि वो ये हुआ था कि मयार क्या होना चाहिए शुगर का, शुगर कहाँ तक एक तंदुरुस्त बंदे की होनी होनी चाहिए, चाहिए। यानी कि मयार तो यही है कि जिसको शुगर नहीं है उसकी 80 से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए फास्टिंग के अंदर, और जिसको शुगर नहीं है उसकी खाने के बाद बड़ी मुश्किल 130 से नीचे ही होनी चाहिए, अच्छा 130 से नीचे होनी चाहिए, ये तंदुरुस्त बंदे का मयार है ठीक और हमारा इलाज भी इसी मयार के ऊपर है, 80-130 के दायरे के अंदर ही शुगर का रहना आप उस बंदे को मरीज नहीं समझेंगे, ठीक ठीक सही है, इससे ऊपर का प्री डायबिटिक में आ जाएगा, ऐसा मरीज अपनी देखें यानी बिल्कुल चेकअप करवाना चाहिए अपने आप को, जब इतना वीक कर पाए आप बहुत सी बीमारियों का मजमुआ बन के किसी के पास जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पेशाब का ही एक टेस्ट करवा लेते हैं, बिल्कुल सही बात ठीक है, है ना ऐसा जी। ही है। तो आप मुझे ये बताएं आज के दौर के अंदर शुगर को चेक करवाने में टाइम कितना लगता है, बहुत 2 मिनट आप इस डर से शुगर नहीं चेक करवा रहे होते इसलिए शुगर चेक नहीं करवा रहे होते कि आपको ये कहीं शुगर निकलना है, आप घबरा रहे होते हैं, देखिए जिस बीमारी ने आना है आप अपने आप को सेफ्टी में रख के चलें, LFT करवा लेना चाहिए कम से कम भी 6 माह में एक दफा, यानी LFT लीवर फंक्शन टेस्ट आप जरूर करवा लें और एक पेशाब का टेस्ट करवा लें, ये दो छोटे से 400-500 रुपए के जो टेस्ट होते हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन है, उस सूरत में भी अगर आप तंदुरुस्त हैं तब भी आप करवा लें, आपके लिए अच्छा है, आपकी आपकी सेहत, आपकी जिंदगी एक सेहत अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत के साथ है, और बिल्कुल जिस वक्त आपकी सेहत आपके हाथों से चली जाती है तो आप फिर अपने प्यारों के लिए तड़प रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने देखता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आता है 3 दिन की बात है, उसके बेटे रो रहे होते हैं और बाप जो है वो शुगर का मरीज है, और यही मैंने बताया कि सुबह शाम इंसुलिन लगाने के बाद भी इंसुलिन कंट्रोल नहीं हो रही नहीं नहीं ऐसा है क्योंकि है, मेरे 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 पास पड़ोस में भी ऐसे एक अंकल रहते मैं हैं जिन्होंने लाइव ये बताया है आपको मुझे। चलें आपको ये इसके अंदर बता रहा हूँ, आप हालत देखें, मैं नाज़रीन को ये नहीं दिखाना चाह रहा कि उनका जो है दिल जो है वो देख के यानी देखें अभी ये क्यों ओहो पोजीशन है, ठीक है, पाँव हाय पाँव काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे पेशेंट को अगर मेरा कैमरा भी दिखा सकता है मैं ये दिखा रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट है ना डायबिटिक पेशेंट है, इन। गैंग्रीन के अंदर गया हुआ है, शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, नेक्रोसिस हो गया है, काला पड़ गया है, पाँव काटने का मशवरा दिया जा रहा है, अल्लाह अल्लाह के फजल से नहीं कटेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उंगली इंशाल्लाह इनकी जो एक छोटे वाली उंगली है वो बिल्कुल गल चुकी है, और बदबू अल्लाह की ये नोयत है कि जब वो मेरे मतलब के अंदर पेशेंट आके बैठता है कि मुझे फौरी जो है वो अपना दरवाजे खोल दिए मैंने, फिर मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अपना जो मेरे बैंडेज के लिए लड़का रखा हुआ है उससे मैंने इसको जो है सारी सफाई करवाई, 3 दिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा सोने लग गया, सो नहीं सकता था, गल चुका था अंदर अच्छा तक तो हड्डी इतनी तक, हालत बिगड़ने कैसे देते हैं कि हाँ मैं प्रॉपर क्या ये देखो जी नहीं मैं दिखाया जाता कि ये इस देख हद तक चले यानी जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखा रहे हैं, मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूं, मेरे मुझे जो ये दुख होता है कि ये पेशेंट पहले दिन से ही जब इसको जख्म होता है एक मुआलज इसको ट्रीट करने लगता है, लेकिन क्योंकि डायबिटिक गैंग्रीन के जख्म का इलाज जो है वो एलोपैथिक में एक हद तक मुमकिन अच्छा है, ठीक है एक हद तक मुमकिन है, और वो अपनी कोशिश अपने क्राइटेरिया में फुल करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि एलोपैथिक के अंदर ट्रीट सर्जरी वाइज बहुत आला है, बहुत आला किस्म की ट्रीट है, यानी कि जैसे हम फाजले तिब्बत जराहत हैं तो जराही जराहत जो है हमारी भी है उनकी है, लेकिन
एलोपैथिक के अंदर या हमारी जराहत का अमन ही है, हम भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, एलोपैथिक भी हो रहे जी हैं उससे मुस्तफ़ीद। तो कहते हैं कि जी हमने पहले दिन से ही इसको करवा रहे हैं, जब छोटा सा जख्म था जब हम करवा रहे हैं, और हमने बहुत से डॉक्टर को चेंज किया, लेकिन हम जो है वो सेहतियाब नहीं हो चुके। एंड पे कंडीशन क्या है, टांग काट दी जाएगी। अल्लाह के फलो करम से जैसे अभी हमने इसकी 2-3 दिन ट्रीट शुरू की है, नेक्रोसिस जो था, ब्लैकपन जो था, वो ख़त्म हो गया और ये क्योर होने लग गया। जो जख्म के अंदर जो गोश्त गल चुका था, सड़ चुका था, वो बेहतर हो गया। तो मतलब कि जब एक हमारे पास इलाज ही नहीं होगा तो यानी हम कैसे उसको क्योर बिल्कुल कर पाएंगे। मेरा दावा तो तभी होगा ना जब मेरे पास इलाज है। एक तो मैं उसमें जब शुगर का इलाज कर रहा होता हूँ, वो शुगर अकेले का इलाज नहीं होता। मैं ये अपने नाज़रीन को, आज एक मेरे दिमाग में बात आई है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। इसके अंदर हम आप शुगर के कोर्स के अंदर आपके जिगर का, दिल का, दिमाग का, हड्डियों का, ऑस्टियोपोरोसिस का, जोड़ों के दर्दों का, इसके अंदर हम आपके मैदे और जिगर का, इसके अंदर हम आपकी आँखों की बिनाई का, इसके अंदर हम मुकम्मल आपकी बॉडी का इलाज कर रहे होते हैं। शुगर क्योर होना उस वक्त मुमकिन है, शुगर से निजात उस वक्त मुमकिन है जब आपके पूरी बॉडी जो है वो सेहतमंद हो जाए। ठीक क्योंकि शुगर मुख्तलिफ बीमारियों का एक मजमूआ है। हमारे शुगर के मरीज तंदरुस्ती के साथ साथ अल्लाह के फलो करम से एज इफेक्ट में भी नीचे आते हैं। अच्छा कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप, मैं 50 साल में अगर दिखने में नजर आता हूँ, तो हमारे शुगर की मेडिसिन खाने के बाद मैं 25-30 साल के बीच में दिखने में नजर आऊंगा। इतनी पावरफुल, माशाल्लाह, इतनी बेहतरीन मेडिसिन है। अच्छा, तो कोई ऐसी मेडिसिन बताएं पर शुगर वालों की ना, जी जी पर उम्र कम लगे, अब सब लाइन लग जाएगी, क्योंकि ये बात नहीं, बात ये है कि बहुत सारे लोग उम्र से बड़े लगने लग जाते हैं, या तो जिम्मेदारियां, या अपना ख्याल नहीं रखते, या पता नहीं डाइट ऐसी लेते हैं कि काफी लोग अपनी यानी एज से बहुत बड़े लगते हैं। जी यकीनन आपने भी ऐसे यानी लोग देखे मैं, होंगे। मेरे पास एक कोर्स है, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो कोर्स है उसका नाम है एसाबी कोर्स, जी ठीक ठीक है। है। दूसरे नंबर पे हम उसको बुढ़ापा कोर्स भी बोलते हैं। बहुत से लोग अपने कोर्सेज को एक नाम देने के बाद जो मल्टी विटामिन के नाम दे के, और वो मार्केट में उसकी जी तशहीर करते हैं। हमारे पास ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं जिसके खाने से आपका बुढ़ापा वापस आ सकता है, ठीक है। और वो हम 2 माह 3 माह 4 माह इस तरह इस्तेमाल करवाते हैं। जिस तरह यानी हमारा जो ऑस्टियो जोड़ों के दर्दों का जो कोर्स होता है हमारा, वो भी एसाबी कोर्स होता है। जैसे हम जोड़ों का इलाज कर रहे होते हैं, जोड़ों के इलाज के अंदर हमारा ऑस्टियो ऑर्थराइटिक्स, ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का बुरबरा होना, इसके साथ साथ जो है हमारा गठिये का जो होता है आर ए फैक्टर, जी या मोहरों में नस दबना, इसमें अर्कुनिसा आता है, राइट और लेफ्ट जो है वो टांग के अंदर अर्कुनिसा, दर्द पेन होता है, L4-5-3 के नीचे हमारी नस धरामगज की दबरी होती है, या हमारा सर्वाइकल का जो पेन होता है, ये सारे अमराज एसाबी होते हैं। इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, और कैल्शियम के जिस्म से कम होने से, पट्ठों के कमजोर होने से ही बुढ़ापा आता है। तो ये हमारे कोर्सेज भी जब जोड़ों के दर्दों के जी यानी इस्तेमाल होते हैं ना, तो वो भी हमारा मल्टी विटामिन कोर्सेज हैं। जैसे आप ही एक जो हमारे से हमसे सवाल किया, अभी हमारे पास एक मरीज आ सकता है, जी वैसे तो मैं बिल्कुल फिट नजर आ रहा हूँ, लेकिन जो मेरी फेस की रीडिंग है वो झुर्रियों में जा रही है, हाँ मुझे झुर्रियाँ हो रही हैं। वैसे मैं ठीक हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, वर्जिश करता हूँ, ठीक है मेरे जिंदगी के मामलात, लेकिन मुझे जो है बुढ़ापा आने लग गया है। आने लग गया। मैं वक्त से पहले अपने आप को कमजोर भी कर जी रहा महसूस हो रहा हो कमजोरी महसूस हो रही होती है। इसके लिए हमारे मल्टी विटामिन कोर्सेज हैं, जिसके साथ आपको कायापलट कोर्सेज के नाम से आम जो हकीम है अपनी तशहीर कर रहे होते हैं। अच्छा मुमकिन है आपका 4-5-3 माह 4 माह बीमारी की नौीयत के हिसाब से ये हमारा इलाज 6 माह तक चलता है मल्टी विटामिन का, ठीक है। और इसके अंदर आधो आध एज का फर्क आ जाता है। यानी कि 80 साल की उम्र में बंदा अगर इस कोर्सेज को लगातार इस्तेमाल करे तो वो अपने आप को 40-45 साल के बीच में पाएगा इंशाल्लाह। और यानी इतने कास्ट ज़्यादा कॉस्ट का भी नहीं है वो। अच्छा अगर आप 1 महीने के अंदर अपनी खुराक इस्तेमाल करते हैं और अपने ऊपर आप 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा करते हैं 1 मंथ के अंदर,
तो मेरे ख्याल के अंदर इतनी खुराक भी आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि जहाँ पे वो कहते हैं ना, बुढ़ापा जब चला जाता है वापस नहीं आता, ठीक है, पंजाबी में तो एक मिसाल है, गई जवानी हाथ नहीं आंदी, लाख खुराक खाई है। तो बात ये बिल्कुल है, सही कह रहे हैं, हाँ जवानी जी, चली जाए फिर नहीं तो आती लेकिन मैं वापस। बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने जो ये हमारा हिकमत का निज़ाम बनाया है ना, इसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं वाकई ही, जवानी जो गई होती है वो वापस आती है, वो खुराक खाने से नहीं वैसे आएगी। ये बात आज आप बताएंगे रोजे में भी है कि आपने भी तो यूज की है ना। मैं करता हूँ, यानी मैं बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, हाँ मुझे तो वैसे ही जो है वो उमर चोर बोला जाता है, हाँ बिल्कुल, मैं ठीक इसीलिए है, पूछ रही थी। कि हाँ जी, इसमें कुछ मेरी ये एक अहम, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, मैं निहार मुँह पानी वैसे ही नहीं पीता हूँ, हाँ मेरी आदत है शुरू से ठीक है कि अगर मैं निहार मुँह पानी अपने आप को, अगर मैं किसी वजह से कभी पी भी लेता हूँ, एक आध घूंट तो चलो मैं पी लेता हूँ, सारा गला साफ करना होता है, या मेरी आदत होती है, मैं जैसे भी कोई मसला होता है, मैं घर में ढूंढ रहा होता हूँ, कहीं पे कोई बासी रोटी पड़ी हो, कहीं पे फ्रूट पड़ा हो, मतलब कि ना भी हो, मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ, फिर मेरा दिमाग चल रहा होता है क्या खा के पानी पी लूँ, ऊपर से मतलब बगैर खाए पानी नहीं नहीं पीना पीता चाहिए, हूँ, क्या नहीं बात है। पीता हूँ, ठीक ये है तो मेरी आदत है, मुझे कुछ ना कुछ खाना है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी काम करता हूँ, भागता दौड़ता हूँ आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजलो करम से, मुझे वीकनेस महसूस नहीं होती है। क्या बात है। और इसके मैं हमेशा से अपनी खुराक के अंदर एक चीज़ का ख्याल करता हूँ, मैं फजूल चीज़ों से वैसे ही अवॉइड करता हूँ। आप देख लें रमज़ान कितना गुजर चुका है, शायद मैंने 2-3 मरतबा जो है पकौड़ों को चखा होगा, चखते हैं हम अपने, मेरे घर के बने हुए मैं चखता भी हूँ, खा भी लेता हूँ घर के बने पर हुए, बहुत ज्यादा नहीं ना। बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ज़बान के जायके की हद तक, थोड़ा टेस्ट की हद तक ठीक है इसको चेक इतना। करता हूँ। और एक और भी ये भी चीज़ है कि पकौड़े समोसे अगर आप सरसों के तेल में, खासतौर पे शुगर के पेशेंट को, हाँ सरसों के तेल में बना के दें तो वो उसमें चख भी ले, और मैं उनको इजाज़त भी देता हूँ थोड़े बहुत चख लें, और खुदारा चखना ही है, चखने का मतलब ये नहीं है कि आप आधा पाव खाने के बाद ये बोलें कि हमने चखे हैं, अच्छा, शुगर ठीक है, वाले पेशेंट को ना जितनी चीजें कम मना की जाती हैं या बोला जाता है कम करो, उनको वो ही ज्यादा अच्छी यानी लगती हर हैं। मर्ज का एक जो है ना हाँ कमजोरी है, मरीज जो होता है उसको वही चीज अच्छी लगती है जो उसकी दुश्मन होगी, हाँ सही है बिल्कुल। ठीक है, ये बात तो कॉमन है, इसीलिए देखें शुगर का मरीज है उसको मीठा ही अच्छा लगने लगता है, ठीक है, ये ऐसी चीजें जो उसको नुकसानदेह होती हैं वो अच्छी लगने लगती हैं। तो लिहाजा शुगर के मरीज रमजान के अंदर रोजा रख सकते हैं, और हमारे मरीज रोजा रखते हैं अल्लाह के फलो करम से, और इंसुलिन भी लगा रहे हैं, यानी लाहौर के अंदर भी हैं, कराची के अंदर भी मौजूद हैं मेरे पेशेंट, इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद हैं, 70 इंसुलिन लगाते थे, मेरी दवाई को 15-20 दिन उनके हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स में आपको सुनवा दूंगा उनके, कि हम जो है ना पहले सुबह की 10 और रात की 20 इंसुलिन ले रहे थे, क्योंकि मैं अक्सर अक्सर अपने पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको बोलता हूँ कि इंसुलिन लगाने की रूटीन बनी हुई है तो बनी रहने दें, लेकिन ऐसा कर लें आप कि अगर आप 70 लगा लेते हो तो इमीडिएटली मैं उसको आधी कर देता हूँ, ठीक है, इसी तरह पेश हर 5 दिन के बाद पेशेंट की 5-5 यूनिट कम करवा के उसकी इंसुलिन मुकम्मल ख़त्म करवाता हूँ, जब तक हमारी दवाई जिस्म के अंदर जो है एक ताकत भी दे चुकी होती है, इसके साथ साथ जो है वो मरीज़ का मैदा और जिगर हद तक ठीक हो चुका होता है, और फिर हमारी वैसे भी 15 दिन की मेडिसिन खाने के बाद मुकम्मल कंप्लीट तौर पे अगर शुगर के लिए आप कोई भी इंसुलिन की टाइप ले रहे हैं वो छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, गोलियां तो मैं पहले दिन से ही बंद करवा देता हूँ, ख़ास तौर पे 400-450 तक आने वाले मरीज़ जो हैं उनको मैं पहले दिन से ही बोलता हूँ कि सिर्फ टोटल कंप्लीट हमारी मेडिसिन ही इस्तेमाल होती है, और ठीक है, टाइप 2 को तो सिर्फ हमारी ही मेडिसिन यूज़ होती है। थैंक यू। जी शुगर का टॉपिक बहुत हो जी गया। चलें, अच्छा ठीक मैं है, थोड़ा सा ना एक एक टॉपिक मेरा बड़ा करीब है दिल के, इसलिए कि मोरों के मसाइल का, अच्छा ये बताती चलूँ तो मेरे भी मोरों में गैप है ठीक है, और उसकी वजह से क्या तकलीफ होती है मुझे आज भी, बहुत शदीद किस्म की तकलीफ है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि काम का लोड रमज़ान में ज़्यादा होता है, ठीक शोज़ है, ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये जगह यहाँ से लेके पैर की उंगली तक ठीक है, इतना शदीद दर्द शदीद है, दर्द है, मतलब फेस से आप लोगों को नहीं अंदाजा हो रहा ठीक होगा, पर है, शिद्दत एंड है, एंड एंड कि है, मैं सीधा अगर 5 मिनट लेटूं तो मुझे तकलीफ और बढ़ और जाती बढ़ है। जाती मैं है, बैठती हूँ, अभी जैसे बैठी हाँ हूँ हाँ तकलीफ बढ़ रही है, ठीक चलती है, हूँ तो, ठीक अच्छा है, ये मेरा होता पेन कभी कभी है, ठीक है, जिस दिन जैसे मैंने बहुत ज्यादा शोज कर लिए, खड़े होके कर ठीक लिए, है, ठीक है, सख्त सोफे पे बैठ गई या गाड़ी ठीक में है, ज्यादा देर बैठ गई, ठीक तो इस है, पे थोड़ा सा बताइए। मतलब कि ये आप सुन लें आप मेरी बात, ख़ास तौर पे जो हड्डियों की कमज़ोरी के मरीज़ हैं, शायटिका के अंदर हाँ हैं,
या फिर उनको अपने ज़रूरी चकनाइयाँ, यानी मैं बार बार बोलता हूँ HDL जिस्म के अंदर हमारी जो कॉटिलेज लेयर होती है, जी जब ये आपस में रगड़ खाने लग जाती है जी तो हमारे घुटनों का पेन आता है, ठीक है, हम जिसको गठिया बोलते हैं। फिर हमारा जो आम एसाबी कमजोरी, जैसे आप थक जाती हैं इतना काम करने से, तो मेथी दाना मैं बोलता हूँ हमारे तो एक मसला ये है ना, यानी अगर हम किसी को बता देते हैं, अब हमें मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, तो वो एक चीज़ की शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं कि बहुत हाँ ज्यादा लेना शुरू कर देते हाँ हैं, हाँ ऐसा कि है, मेथी बिल्कुल दाने सही और कह रहे हैं। करवंजी का बोल दिया तो इतना ही लेना शुरू हाँ कर दिया कि बहुत वो ज्यादा लेना हड्डियों के शुरू। ऊपर गोश्त ही खत्म हो गया। हाँ देखें, मेथी दाना और कलवंजी 10-10 दाने, 5-5 दाने डेली समझ में आते हैं दोनों टाइम के ठीक ऊपर, है बहुत अच्छी चीज़ है। 5 दाने या 10 दाने शुगर का मरीज हो या फिर आम पेशेंट हो, अगर आप अपनी बात करती हैं तो तकरीबन आधा चम्मच मेथी दाना दूध के साथ आप 8-10 दिन लगातार इस्तेमाल करें, ठीक है, मतलब किसी टाइम भी दूध के, जैसे अभी दूध के रमजान साथ। है मैं सहरी में दूध पीती हाँ हूँ। जी, अगर आप चलें दूध सहरी में ले रही हैं बहुत अच्छी बात है, आधा चम्मच आप मेथी दाने का 8-10 दिन लगातार लें। एक मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, जो शिद्दत के अंदर मरीज हैं वो तो चलो ठीक है एक मेडिसिन से ही क्योर होंगे, लेकिन जो आप इनिशियल के अंदर हैं, ठीक है, इनिशियल के अंदर हमेशा से आपको हमेशा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, जब आप इस एसाबी कमज़ोरी में हैं दूध का लगातार इस्तेमाल करना चाहिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, प्रोटीन है इसके अंदर, फाइबर के अलावा शुगर प्रोटीन हर तरह के, मुकम्मल दूध के अंदर प्रोटीन है। जो लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो फाइबर तो रोटी में भी मौजूद है मिसाल के तौर के जी ऊपर, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन जो है वो उनको खजूर, अंडे की सफ़ेदी, एक अंडे की सफ़ेदी, जी अंडे की सफ़ेदी फालतू वेट को वैसे भी काटती है, आपके जिस्म से फालतू चर्बियां ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, आपके वेट में कमी आना आपके मोहरों के मसाइल के अंदर बेहतरीन होता है। वजन से कमी से मुराद मेरा आपके हड्डियों और पट्ठों के मसल्स की बात नहीं हो रही है, फालतू चर्बी जो आपके अंदर चर्बी है, मौजूद हो ठीक है चुका है, फालतू चर्बी, उसका आपका जिस्म के अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो हड्डियों के बुरबरा होने से गैप आता है उसके अंदर, गैप आने की वजह से जो है हमारी हराम मगज़ की नस जो नहायती एक एहसास किस्म की, वो हराम मगज़ की हमारी जो है वो नस होती है वो दबरी होती है इन मोहरों के बीच में, जब ये इसमें दब जाएगी तो हमारा नर्व सिस्टम जो आ रहा होता है वो आगे से सिग्नल देना बंद कर बंद कर देता है। देगा। जैसे आपसे मैंने प्रोग्राम में अभी डिस्कस की थी कि हमारा जो दिमाग होता है यही तो वजूहात होती है ना, कि अगर आपके एक नस दबने से आपका ये टांग मुतासर हो रही है तो हमें अपने, जैसे हमने कुर्बानी के जानवर हम ज़िबा करते हैं तो देखा होगा जोड़ों के अंदर एक लुआब होता है बिल्कुल। होता है ना, वो लुआब की कमी की वजह से हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होता है। लिहाजा ऐसे मरीज अपनी खुराक के अंदर दूध का इस्तेमाल लाजम पकड़ लें, मेथी दाना ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छा ठीक होता है, सुन्नत भी है ठीक है कुलवंजी और मेथी दाना, और इसके साथ साथ ना बड़े गोश्त से परहेज़ किया जाए, ठीक है ठीक बड़े है गोश्त से परहेज़ किया जाए और बाकी चीज़ों से, देखें आप चंद चीज़ों का परहेज़ में नोट कर पर लें, जल्दी कर लें क्योंकि मुझे ठीक दो है, बार आ गए कि सेगमेंट क्लोज खत्म हो चुका क्लोज है। करना है। हाँ आलू, हाँ अरवी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल, भिंडी चलो फिर भी खा सकते हैं, भिंडी खा आज तो लेते हैं, मैंने इफ्तार में बैंगन के पकौड़े बनाने थे। चलें बैंगन, बैंगन बैंगन भी ऐसे मरीज को चल जाता है, जाता लेकिन वो ठीक है। गर्म में आ जाता है ना, गर्म में आ जाता हाँ है, मतलब लेकिन दो तो खासतौर पर पकौड़े खा जी सकती हूँ ना। आलू, अरवी, गोभी, दाल चना, बड़ा गोश्त, चावल थोड़ा हाँ सा अवॉइड किया जाए, थोड़ा ठीक है सा, ठीक खास है तौर पे चने की दाल से आपका दर्द बढ़ेगा ज़्यादा, ठीक अच्छा है, बड़े गोश्त से बढ़ेगा। और मैं अभी आखिरी चंद सेकंड लेके कुछ नाज़रीन को बता दूं, क्योंकि आज गपशप में ही प्रोग्राम हमारा अच्छा गुजरा है, जोड़ों के तमाम किस्म की हमारे पास जिसमें, यानी गठिया हो गया है, रेमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, जोड़ों की तमाम इकसाम का इलाज हमारे पास मौजूद है। इसके ठीक साथ साथ जो है रिगेनी हेयर ऑयल के हवाले से हमारे पास एक था कि
हमारा ऑयल ये रमजान में बहुत ही ज्यादा चलता है, लोग एक रूटीन में रात में लगा लेते हैं, सुबह धो लेते हैं ठीक बालों के मसाइल के लिए। मेरे स्क्रीन पे चलने वाले तीनों नंबर के ऊपर जो है व्हाट्सएप मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप मुझे इन पे पैगाम छोड़ सकते हैं, मुझे एक मिस कॉल देंगे आपको रिप्लाई मिलेगा, किसी भी बीमारी के मुतल्लिक अल्लाह की रजा के लिए भी मशवरा कर सकते हैं। बिल्कुल हम ठीक फ्री जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मशवरा देते हैं, ठीक है जी मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में भेजने ठीक का है इंतजाम है। अभी ठीक है यानी जी शाही इजाजत लेंगे आपसे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद दैनिशा, अब होगा स्टार्ट हमारा अगला सेगमेंट, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।